हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो था यूज ऑफ डायमेंशन का सेकंड पॉइंट, जिसमें हम कह रहे थे कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए कर सकते हैं। हमने इससे पहले फॉर्मूले का यूज डिराइव करने से पहले हमने इसे यूनिट कन्वर्जन के लिए भी ट्राई किया था। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो है वो है टू चेक द रिलेशन, टू चेक द रिलेशन मीन्स इफ वी हैव एनी टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज एफ इजिकल्स टू एम ए, एफ इजिकल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, कोई भी रिलेशन हो जैसा भी हमें फिजिक्स में पढ़ा है, हम इसको डायमेंशन एनालिसिस की तरफ से ये पता लगा सकते हैं कि रिलेशन सही है या गलत है। उसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन निकालेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड डायमेंशंस राइट हैंड डायमेंशन के इक्वल आती है तो हमारा रिलेशन सही होगा, और अगर वो रिलेशन इक्वल नहीं आती है तो वो रिलेशन हमारा सही नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। टू चेक द रिलेशन जो हमारा यूज है, फर्स्ट मतलब थर्ड यूज ये हमारा है, थर्ड टू चेक द रिलेशन। इसमें दो पॉइंट हो सकते हैं सोचा जाए है तो। पहला, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एनी रिलेशन आर इक्वल, और साथ में ये भी कहता है ओनली दोज क्वांटिटीज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशनल फॉर्मूला इज आर सेम। क्या मतलब है वो देखते हैं हम। मैंने कहा कि टू चेक द रिलेशन, यानी अगर मैं किसी रिलेशन को चेक करना चाहता हूं तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, उसके लिए सोचना पड़ेगा, उस पर जाना पड़ेगा। और वो कहता है कि कोई भी रिलेशन है उसका लेफ्ट हैंड डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन यानी उसके दोनों साइड की डायमेंशन हमेशा इक्वल होगी। नंबर टू, अगर उसमें जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे हम कहते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? एस जो लेफ्ट हैंड साइड में है, एस की डायमेंशन होगी एल। सेकेंड आएगा यू टी, यू टी की डायमेंशन भी एल आनी चाहिए और ए टी स्क्वायर की भी एल आनी चाहिए। मीन्स जितने भी टर्म्स हैं अगर सबकी डायमेंशन इक्वल है तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन सही है, अदरवाइज रिलेशन रॉन्ग है। तो पहले इसके बाद मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिंगल टर्म का, फिर मल्टी टर्म का। तो लेट अस चेक द रिलेशन, लेट अस चेक द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ये एक रिलेशन है जो हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये रिलेशन सही है या गलत है। इसमें एफ क्या है? एफ इज फोर्स, हेयर एफ इज फोर्स, ईटा इज कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस, वी इज वेलोसिटी। अब इसका मतलब ये हुआ कि
कि जो डायमेंशन इसकी हैं वो इन सब की होंगी टोटल। तो लेफ्ट हैंड सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड डायमेंशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स। और बेटा फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो कह रही है लेफ्ट साइड की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। अब इनकी अलग अलग डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या है, आर रेडियस की क्या है, वेलोसिटी की क्या है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो होती है वो होती है एम वन एल वन माइनस वन टी माइनस वन। एल की होती है, रेडियस की होती है एल, और वेलोसिटी होती है एल टी माइनस वन। तो आप देखिए हम करते हैं राइट हैंड साइड, दैट इज सबसे पहला टर्म है सिक्स पाई। सिक्स पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होती इसलिए इसे छोड़ दीजिए। ईटा एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। नेक्स्ट क्या आएगा, रेडियस के लिए एल और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन। इन्हें सॉल्व कीजिए, एल माइनस वन से एल कैंसिल, यहां पर है एम, एल ये वाला आएगा एंड द टी माइनस वन एयर एंड टी माइनस वन एयर, देन कंप्लीट इज टी माइनस टू। सो नाउ वी कैन से दैट द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, एंड इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल देन द रिलेशन इज ट्रू। By this method, we can check any type of relation. इस method के जरिए हम किसी भी relation को check कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उसकी dimensions क्या हैं, उसका left hand dimension कितना पड़ रहा है, right hand dimension कितना पड़ रहा है, और अगर दोनों equal आते हैं तो हम कहेंगे relation सही है। अब मैं ये कह पा रहा हूँ कि अगर ये relation इस method से check किया एक, तो अब मैं देखूंगा कि दूसरा एक और रिलेशन लेके जिसमें मोर देन वन स्टेप है। तो हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है v is equals to u plus at या s is equals to ut plus half at square, जिनमें एक से ज्यादा टर्म हो जाएंगे। तो मैं किसी भी एक इक्वेशन को लेता हूं और चेक करता हूं कि क्या वो सही है या गलत है। हालांकि हम लोगों को पता है कि वो सही है, हम लोगों ने ड्राई किया, फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो let us take a first equation v is equals to u plus at। यहां बेटा आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। v टर्म यानी फाइनल वेलोसिटी ये हो गया v, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया u, और a फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है यहां a, और t टाइम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहे हैं हम t से। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है एल टी माइनस वन, अब तक तो शायद याद कर ली होंगी थोड़ी बहुत, नहीं की है तो प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है। एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू और ये टाइम t। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन कितनी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वांटिटी है वेलोसिटी और इसकी डायमेंशन है एल टी माइनस वन। राइट हैंड साइड में मेरे पास दो टर्म है, टू टर्म्स आर हियर, ए वन इज यू, सेकंड इज दिस वन। तो टू टर्म्स इन राइट हैंड साइड एंड द डायमेंशंस आर नंबर वन, फर्स्ट टर्म की क्या है, फर्स्ट टर्म डायमेंशन क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी की हमेशा होगी एल टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन तो इक्वल आ गई हम देख रहे हैं। अब बात आती है थर्ड की कि इसकी डायमेंशन इक्वल है या नहीं है। तो सेकंड टर्म डायमेंशन क्या होगी,
सेकेंड टर्म डायमेंशन, दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू और टाइम के लिए टी, मल्टीप्लाई कीजिए, दिस कम्स आउट टू बी एल टी माइनस वन। तो हमारी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थी वो कह रही थी कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम। यहाँ पर u को हमने at से ऐड किया, u की डायमेंशन lt माइनस वन एंड द डायमेंशन ऑफ at, नॉट ओनली a और t, द प्रोडक्ट ऑफ at डायमेंशन इज lt माइनस वन, इसलिए हमने u में at को ऐड किया एंड देन दैट इज इक्वल्स टू v, सो दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रू। तो ये मेथड है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिलेशन ट्रू है हमारा और कौन सा रिलेशन फॉल्स। दीज आर द थ्री यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब मैं बात करूंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ लिमिटेड है हम कि ये कुछ काम नहीं कर सकती। तो लेट अस डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस मतलब कि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो किन के कर सकते हैं, किन के नहीं कर सकते, या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ जगह पर हमारी जो डायमेंशन एनालिसिस है वो हमें ठीक से नहीं बता पाता। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बेटा डायमेंशनल एनालिसिस कहता है सबसे पहली चीज, अगर आप कल थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइंड करो, थोड़ा दिमाग में जोर डाल के कल क्या हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं हम डिस्कस कर रहे थे नॉट मोर देन थ्री। तो फर्स्ट लिमिटेशन यही है दैट वी कैन नॉट डिराइव एनी रिलेशन हैविंग मोर देन वन थ्री क्वांटिटीज। हम कोई भी ऐसा रिलेशन डिराइव यहां नहीं कर पा रहे जिसमें थ्री से ज्यादा क्वांटिटीज हो। एम एल टी मीन्स हम इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, तीन डायमेंशन पे बात कर रहे हैं। सेकेंड हमारी जो लिमिटेशन है वो क्या है, जैसे अभी अभी हमने किया था चेक द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू सिक्स पाई ईटा आर वी, तो ये सिक्स पाई कहां से आया। वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इन दिस। हमने कल भी जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए उनमें कॉन्स्टेंट लेते थे डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट के, पर उसके डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है वो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाती। तो हम कहेंगे कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट। हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर पाते। एक और बात क्या आती है यहाँ पे कि मान लीजिए कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास जिसमें साइन थीटा, टेन थीटा, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, और आपको कल बताया भी था, पहले भी बताया था कि इनमें से किसी में भी डायमेंशन नहीं होती। तो हम लोग ऐसे फार्मूलों को डिराइव नहीं कर सकते, ना उन्हें नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन नॉट डिराइव the relations having term या function having trigonometric function exponential function and log function। तो हम ऐसे कोई भी रिलेशन को डिराइव नहीं कर पा रहे जिनमें इस टाइप की चीजें आती हैं। ये थोड़ी बहुत लिमिटेशंस हैं, थ्री लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, जहां डायमेंशनल एनालिसिस हमें फॉर्मूला डिराइव करके नहीं देता। चलिए यहां तक तो हमारी डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहती है, कैसी है। अब मैं बात करता हूँ, एक करेंगे आज का लेक्चर। तो नाउ प्रॉब्लम इज कि मैं आपके सामने ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की।
और इसके बाद आप अपनी जो बुक है आपके पास, जो भी बुक है चाहे वो एसएलआर हो रहा है या प्रदीप है, उसके सारी प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि इफ वी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये है। और क्वेश्चन कहता है फाइंड डाइमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी।